ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਡਾਈਵਰਟ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ तो हूँ मैं बेनती करांगा साबका डिप्टी मुख्यमंत्री और साबका गृह मंत्री जिन्होंने कल ही मुख्यमंत्री साहब ने इल्जाम लाए जेड़े उन्होंने रंधावा साहब आपकी गल रखे रंधावा साहब कल दे इस टॉपिक के उत्ते बहुत ध्यान दे के रखिया और प्रधान जी ने बड़ा विस्तारपूर्वक तुहानू दस दिता कि पंजाब की चल रहा मशहूरियां वाली सरकार मैं तुहानू पॉइंट बाय पॉइंट दसांगा कि अंसारी केस का ये डिपार्टमेंट पटीशनर नहीं सीगा रिस्पोंडेंट सीगा सुप्रीम कोर्ट तो सरकार गई उन्होंने रिस्पोंडेंट जेल डिपार्टमेंट ने बनाया और 8/1/2021 एडिटर जनरल ने डिपार्टमेंट में लिखा कि तुहानू उत्थे रिस्पोंडेंट बनाया गया कि तुहानू उत्थे पेश होना पड़ेगा फिर 30/1/2021 चीफ मिनिस्टर एडवोकेट जनरल ने रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर नूं कि जिहड़ी दशांत दवे की अपॉइंटमेंट आ उहनूं असीं करदे हां ए वन दे नाल तुहानू मैं कॉपी बाद च दे दांगा उसके बाद मिस्टर दवे ने उत्थे एंगेज कर लिया तो नाल ही ये लिखता कि जो गवर्नमेंट दी नॉर्म्स ने जो परमिट करते हैं कि किन्ने पैसे देने हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कनेक्शन A2 के नाल जी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है जां फीस इन्हां कोल जो जजां ने वकीलां कोल लई दी है तो अपने फीस लिखे पाउंदे ने उहदे च 3,30,000 रुपया दवे के नाते फीस जी वो गवर्नमेंट ने की बिल कोई जिन्ना मर्जी दे पर बिल जिन्ना मर्जी कोई दे बिल के उपर पैसे नहीं जाते जो गवर्नमेंट ने फिक्स की होंगी आ उ फीस दी जाती वो पहली गल चीफ मिनिस्टर की झूठी है कि 55 लाख नहीं मेरा ख्याल है कि इन्हें चीफ मिनिस्टर ने 55 लाख से साइन करके उन्होंने फीस भेज दी है मैनू ये लग रहा तो वो एक्चुअली फीस बढ़ती है 17,60,000 वोदी ये सब तो वड्डा इहदा पहला झूठ दूसरी चीज कि उहदे बाद 7/1/2022 नूं मीटिंग हुंदी आ एजी पंजाब ACS होम ACS फाइनांस ACS जेल एंड ADGP जेल उन्होंने अपने लैवल से मीटिंग की उहदे बाद उन्होंने जे इहदे च जेल मिनिस्टर का कभी रोल ही नहीं आया जेल मिनिस्टर नूं कभी जिहड़े डिपार्टमेंट हुंदे आ उहनूं AG लिखे भेजदा डिपेंड कर ली कि तुहाडे डिपार्टमेंट का केस आया तो वह चीफ मिनिस्टर को फाइल चल जाती है जिहड़ा वकील अंगेज करने हुंदे आ दूसरी चीज उहदे च आ गई कि कहिंदा जी ट्रांसफर की जिहड़ी गल है कि उस वेले जेलां च रहा ट्रांसफर होना जे कोई बाहरली स्टेट वाला भेजदा मैं अपने टाइम से 27/11/2018 एक स्टैंडिंग ऑर्डर कढ दित्ते सी कि कोई मिनिस्टर जिहड़ा वो आप नहीं डिसाइड करेगा उन्होंने ये एडिशनल चीफ सैकटरी जेल वो अपने लैवल से देखेगा कि जिड़िया कोई चुनौतियां ने उन्होंने उन्हें किमें डील करना क्योंकि पोलीटिकल आदमी कितने भी किसी गलत किसी की कर सकता कि ऑफिसर जो ठीक करते हैं ये बाद जे कोई आई गल पहली गल तो जेल मिनिस्टर का काम ही नहीं गा ये आप जेल मिनिस्टर आ भगवंत मान इन्हू पता कि जेल डिपार्ट कस्टोडियन होंगे वो कोर्ट वालों बंदा जेल से जाता तो कोर्ट वालों ही बाहर निकलता
ना कि भगवंत मान वांगू कि रात को कोई ऑर्डर कर दो ट्वीट कर दो तो सवेरे उठ के जो लत जाती है उदों कोई होर ट्वीट कर दो। मैं ये दस देना चाहना कि यदि जी एफ आई आर हुई सी उदा सब तो जिहड़ा मेन आदमी आ वह अमंग जिंदल आ। मेरा ख्याल जिन्हें सी एम की कोठी की रेनोवेशन भी की आई आ उस टाइम का एस एस पी वह दस सकते ने कि ये केस करके लिया तो उस टाइम के एस एस पी ने इनू इंटरोगेट भी किया हो उस टाइम की कोर्ट ने इनू जुडिशियल रिमांड से भेज दिता तो इतने जेल डिपार्टमेंट कितों आ गया। दूसरा मैं पूछना चाहता कि जड़ा जे कहते कि जी इन्होंने बिल दे दिए इन्हों को रिकवर कर जोड़ा अज तक पेमेंट नहीं हुई अज तक पेमेंट नहीं हुई साड़ी गवर्नमेंट ने मैं जिस वे बनया मैं भी यदि पेमेंट नहीं की मैं वापस भेज दी फाइल। जिस चीज़ की पेमेंट नहीं हुई जिस तरीक के जिस आदमी के पैसे उन्होंने अज तक गए नहीं तो रिकवरी किस गल की थी। तो जे मैं नाल ही चीफ मिनिस्टर पूछना चाहना कि विक्रम जीठी का केस इन्हें हुण वी गिरी एडवोकेट को अपॉइंट किया अजे चंडीगढ़ के इन्हों का अपना एडवोकेट भी बैठा एडवोकेट जनरल बैठा वह नहीं पेश हो रहा वी गिरी किया तो ये तो डिपार्टमेंट ने देखना कि तुसी एजी या एजी ने देखना। मैं इस करके तुम्हें गल्लां दस्सियां आ सारिया चीज़ां नाल लाइया कि जिहड़े जिहड़े बिल ने किन्नी फाइल कित्थे घूमदी रही इस करके ये चीफ मिनिस्टर साहब नूं मैं अगला सवाल पूछना चाहना प्रधान जी ने पूछ लिया कि लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू जेल च हुई मेरे वाले तो कहते ने कि जेडे जेल के केस ने जेल मिनिस्टर बैठे तो ये वे की है जी और वे जो मेरे तो पहला सीगा तो भगवंत मान तो हरजोत बैंस उन्हें कहा से परचा भी करा परचा भी जो है साल हो गया जेड़ा सिद्धू मूसेवाले का मेन अक्यूज सीगा बिश्नोई इंटरव्यू जी चल रही है अज अवेलेबल है यूट्यूब पर तो कोई मैं दसो थानू ही पता कि कोई अच्छ सरकार के अगेंस्ट बोलता जिन्हें आप बोल रहे हैं ये थोड़ी देर बाद सब कुछ उठ जाना जाना सब यूट्यूब तो सब कुछ डाल देना कि बोल रहे हैं तो वो जी सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू अज भी दोनों इंटरव्यू यूट्यूब पर चल रही उन्होंने इन्होंने रिमूव किया। बाद भगवंत मान दे को जगा इन्होंने भगवंत मान ने एक एस आई टी बनाई कि ये जी लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हुई है ये तो असं एस आई टी बनाने तो 15 दिन यदी रिपोर्ट आ जाएगी यार मुलजम भी इन्होंने को इंटरव्यू लैंड वाला भी रिपोर्टर जोड़ा पंजाब का वह भी इतने अज तक दोनों को नहीं की इनकुआरी नहीं की 3 महीने तो बाद समा हो गया। दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की गल कर लीए लॉ एंड ऑर्डर जिमें इन्होंने दस दिता बटाले दे दो दिन लगातार गोली चलती रही है उत्थे जख्मी हो गए चल बच के उतों ही जिहड़ी स्थान तो गोली चली एक घंटे बाद उतों ही कार फिर उतों खो के लै गए। यह पुलिस का माड़ा हाल है। अज पंजाब 16 डी जी पी ने 13 पंजाब च ने 3 साढ़े डेपुटेशन ने और असी अपना परमानेंट अज तक डी जी पी नहीं दे सकी ये सरकार की ये तुहानू पता की है। सी एम साहब फोकस करो ये स्टेट के उत्ते स्टेज नहीं ये स्टेट आ ये जुमलीबाजी नहीं होनी ये भंड मैं सॉरी कहना पै रहा ये भंडा का रोल नहीं गा सरकार चलाउण दा रोल आ तगड़े हो के सरकार वाल वेखो तो ये बाद गोल्डी बराड़ ने इंटरव्यू दिती तो ये सी एम साहब कहते हैं कि मैं उन्हों असी फड़ लिया इनू वापस लैके आवेंगे कितने गया कल परसों मेरे ख्याल इंटरव्यू है 2-3 दिन पहला इंटरव्यू आई है ना कि मैं 2-2.5 करोड़ रुपया पंजाब के एक्सटॉर्शन लेना वसूली करदा ये सी एम हुण जवाब देवे। दूसरी इन्होंने कहा कि पंजाब की जिहड़ी सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। मान साहब कभी प्रेस के सामने जिवें असी बैठे ही तां आ के करो इंटरव्यू ये तो अंदरों बैठे ही बोल जाते तो उतो ही ये कर देंगे ने। मैं इन्हां दे ना तुहाडे राही इन्हां दे जिहड़े पी आर ओ ने उन्हां नूं मैं एक बेनती करदा कि भरा
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਐਪ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਐਮ ਵਿਲ ਰਿਕਵਰ 55 ਲੱਖ ਸਪੈਂਟ ਔਨ ਅੰਸਾਰੀ ਫਰੋਮ ਕੈਪਟਨ ਰੰਧਾਵਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਲੇਟਰ ਇਨ ਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਾਨ ਸੈਡ ਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪੇ ਰੁਪੀ 55 ਲੱਖ ਸਪੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਇਨ ਜੇਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਵੇਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੋਊ।